दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए एनरोलमेंट कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनरोलमेंट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके लिए बता दूं कि एनरोलमेंट होता क्या है। तो साथियों, एनरोलमेंट एक लिस्ट होती है जो कि आपकी PSL के बाद आती है। इस लिस्ट के अंदर जैसे किसी भी कैंडिडेट्स का नाम आ जाता है, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में एनरोलमेंट कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही PSL कट ऑफ कितना जा सकता है, इसकी रिगार्डिंग भी बात करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे, इसकी रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। वीडियो रियली में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल होने वाली है। चलेगा साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहता हूँ, अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं एयरफोर्स बाई ग्रुप की, इंडियन नेवी, MR SSR की, तो भाई मेरे, मैंने आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। किस प्रकार से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जो कि आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, और इस वीडियो का थंबनेल आपको आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि एनरोलमेंट होता क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने आपके लिए बताया है कि एनरोलमेंट एक लिस्ट होता है जो कि आपका PSL के बाद आता है। एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर यदि किसी भी कैंडिडेट्स का नाम आता है तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली पक्का हो जाता है, लेकिन उसको जो फाइनल मेडिकल होता है उसके अंदर भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है ना साथियों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एनरोलमेंट कट ऑफ कितना जा सकता है। तो एनरोलमेंट कट ऑफ जिस किसी भी कैंडिडेट्स को जानना है, उसको सबसे पहले PSL कट ऑफ को जानना पड़ेगा कि इस बार का PSL कट ऑफ कितना जा सकता है। तो PSL कट ऑफ के आपके लिए बता दूं कि आप किस प्रकार से जान सकते हो। तो भाई मेरे, PSL कट ऑफ की रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है। जैसे आप उस वीडियो को देखोगे, उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी कैंडिडेट्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाया है, और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इस बार का PSL कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है ना भाई मेरे। अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि आप PSL कट ऑफ को देख लेते हो तभी आपको समझ में आएगा कि इस बार का एनरोलमेंट कट ऑफ कितना रह सकता है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार PSL कट ऑफ को देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको इस वीडियो को लास्ट में अवेलेबल करा दूंगा, बाकी आप चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आपके लिए बता देता हूं कि इस बार का आपका एनरोलमेंट कट ऑफ कितना जा सकता है। तो साथियों, जितना आपका PSL जाएगा एक्स ग्रुप के लिए, जितना PSL जाएगा आपका वाई ग्रुप के लिए, उससे प्लस एक नंबर आप कर लीजिएगा, आपका एनरोलमेंट कट ऑफ आ जाएगा। यानी कि साथियों, यदि आपका PSL 34 जाता है तो आपका एनरोलमेंट लगेगा वो लगेगा 34.75 या पूरा 35 पर, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं बाई ग्रुप के लिए। तो बाई ग्रुप के अंदर यदि आपका PSL कट ऑफ जाता है 32, तो आपका एनरोलमेंट कट ऑफ लगेगा 33 या 33.25 पर जाकर, ठीक है ना साथियों। मे भी हो सकता है कि 32.75 पर भी लग जाए, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से एनरोलमेंट कट ऑफ रहेगा। यानी कि साथियों, आपका जितना भी PSL कट ऑफ जा सकता है उसी प्रकार से उसमें एक से डेढ़ नंबर इंक्रीज हो जाएगा और आपका एनरोलमेंट कट ऑफ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। PSL 30 अप्रैल को आ जाएगा और डेफिनेटली आ जाएगा। जैसे PSL आएगा, मैं भी आपके लिए वीडियो के जरिए से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मिक्सर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली हैं, आपकी हेल्प यहाँ पर पूरी तरीके से की जाएगी। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम सभी के कमेंट को पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई भी करते हैं। काफ़ी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है रिगार्डिंग टू नेवी एंड एयरफोर्स। यदि आपके माइंड में कोई डाउट है तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, डेफिनेटली आपको उन वीडियोज को देखकर हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना भाई मेरे। तो एक बार देख लीजिएगा चैनल पर विजिट ऑन करके। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करिएगा, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें कि इस बार का आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। और मैंने देखा कि PSL मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की थी, तो उसके नीचे काफी कैंडिडेट्स अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। तो भाई, इस प्रकार के यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जानता हूं कि मेरे को क्या करना है उन सभी कमेंट्स का, ठीक है ना। आप कितना भी कमेंट करो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे कमेंट करोगे वैसा आप फल पाओगे, मैं उनका क्या करूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यदि आपका कोई प्रॉब्लम हो तभी कमेंट करें, फालतू के कमेंट ना करें। और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करके आप वो भी बता सकते हो कि भाई आपने यहाँ पर गलती की, आप इस तरीके से बताइए, आप यहाँ पर गलती की हो। सजेशन मैं सभी के पढ़ता हूँ, उनको नेक्स्ट वीडियो जो आती है उसके अंदर अप्लाई भी करता हूँ भाई मेरे।
ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। चलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।